अमृतसर की तहसील अजनाला में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक पाक आतंकी ढेर। बीओपी कोर्ट रायजादा में देर रात घुसपैठ कर रहे थे पाकिस्तानी आतंकी, बीएसएफ की मुस्तैदी से नाकाम हुई साजिश। बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठिए को रोकने के लिए कहा लेकिन वो नहीं माना, जवाबी कार्रवाई में हुआ ढेर। आर्मी डे पर पीएम मोदी का जवानों को सलाम, ट्वीट करके किया सेना को सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध बताया, हमेशा देश का सर गर्व से ऊंचा किया है, ये ट्वीट में कहा। राष्ट्रपति ने भी सेना दिवस की बधाई, देश की सुरक्षा में किए बलिदानों को किया याद, राष्ट्रपति ने लिखा देश हमेशा बहादुर फौजियों का आभारी। दिल्ली पर आज कोहरे का अटैक, कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य से कम। सुबह दिल्ली के लोधी रोड इलाके में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री, जारी है शीतलहर का प्रकोप। अलग अलग इलाकों में विजिबिलिटी 200 मीटर दर्ज की गई, 1 से 2 दिन तक इसी तरह मौसम दिल्ली में बना रहेगा। गुरुवार को 2 डिग्री दर्ज किया गया दिल्ली का न्यूनतम तापमान, 2 से 3 दिन तक राहत नहीं मिलने की उम्मीद। की सिचुएशन पूरे रीजन में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। कोहरे की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे पर कल हुआ हादसा। श्रीनगर में जारी है मौसम की मार, गर्म कपड़ों की खरीदारी तेज। उत्तर भारत में मौसम का सख्त तेवर, घने कोहरे के साथ कड़ाके की सर्दी ने किया परेशान। जम्मू कश्मीर में लगातार गिर रहा है पारा, श्रीनगर में 25 साल का टूटा रिकॉर्ड। उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाओं से कांपा मध्यप्रदेश, 2 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा उमरिया। किसान आंदोलन के 51वें दिन आज किसान और सरकार के बीच होगी नवे दौर की बातचीत, 12 बजे तय हुआ है वक्त। तीनों कृषि कानून की वापसी पर अड़े हैं किसान, पिछली बैठक में नहीं निकला है कोई समाधान। आंदोलन के समर्थन में आज कांग्रेस मनाएगी किसान अधिकार दिवस, सभी राज्यों में राजभवन के घेराव की तैयारी। देश भर में कांग्रेस से विरोध मार्च निकालने की तैयारी, राजधानियों में राजभवन के बाहर होगा प्रदर्शन। दिल्ली में राहुल गांधी करेंगे विरोध प्रदर्शन की अगुवाई, कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे एलजी हाउस तक मार्च। किसान आंदोलन से जुड़ी महिलाओं ने चीफ जस्टिस के नाम लिखा खुला खत, सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी पर जताया अफसोस। कोर्ट ने महिलाओं और बुजुर्गों को आंदोलन से वापस भेजने की नसीहत दी थी, महिलाओं ने बताया बराबरी के दर्जे का अपमान। सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय कमेटी से अलग हुए किसान नेता भूपिंदर सिंह मान, कहा अपने संगठन और पंजाब के प्रति वफादार हूं। भूपिंदर मान की कमेटी से अलग होने से गदगद है किसान संगठन, कहा यह आंदोलन और की वैचारिक जीत है। जो कर रहे थे वे वही तो थे, उनको लगा कि मुझे कमेटी में नहीं रहना चाहिए तो इस्तीफा दे दिया उन्होंने, ठीक करा। सिंघू बॉर्डर पर जारी आंदोलनकारियों के पहुंचने का सिलसिला, विदेश से पहुंचे एनआरआई बूट पॉलिश के जरिए कर रहे हैं सेवादारी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जताया किसान आंदोलन के समर्थन, कहा शांतिपूर्ण विरोध से जीता जा सकता है दुनिया का दल। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान संगठनों में दो राय, बीकेयू के राजोबाल गुट के मुताबिक दिल्ली से बाहर होगी परेड, टिकैत गुट लाल किले से परेड निकालने पर अड़ा हुआ है। पंजाब के संगरूर में ट्रैक्टर मार्च का रिहर्सल, दिल्ली मार्च के लिए लोगों को दिया जा रहा है न्योता। उधम सिंह नगर में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, कैबिनेट मंत्री के आवास के बाहर हंगामा। पहले दौर के टीकाकरण के लिए वैक्सीन पहुंचाने का काम पूरा, देर रात तक हुई सप्लाई। लुधियाना में देर रात पहुंची वैक्सीन की खेप, तालियों से हुआ स्वागत। छत्तीसगढ़ के सुकमा पहुंची वैक्सीन की खेप, नक्सली खतरे के चलते कड़ी सुरक्षा। लद्दाख में 16 जनवरी से होगा टीकाकरण, कल रात पहुंची 11,500 वैक्सीन की खेप। वैक्सीन पर उठ रहे सवालों को देश के 45 डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने बताया अफसोसनाक, खुला खत में लिखा टीके को मानवता के लिए उपहार स्वरूप देखें। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वैक्सीन के विरोधियों पर साधा निशाना, बोले लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है विपक्ष। वो जिसको अपने सत्ता से और वोट से मतलब है, लोगों की जिंदगी से मतलब नहीं। वैक्सीन का विरोध करना या उस पर कोई दुष्प्रचार करना लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। कल से देश भर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे 3,000 वैक्सीन सेंटर, 1 सेंटर पर 100 लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। भारत में शुरू होगा दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। टीके के साइड इफेक्ट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी जानकारी, हो सकता है हल्का बुखार और बदन दर्द। आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के मामले में एनसीपी की कोर कमेटी की बैठक, आरोपों को बताया सियासी साजिश। रेप के आरोप में घिरे हैं धनंजय मुंडे, कोर कमेटी बैठक से पहले शरद पवार ने दिया था कार्रवाई का इशारा। शरद पवार ने मुंडे पर लगे आरोपों को बताया निराधार लेकिन को बताया गंभीर, लेकिन बैठक में दी क्लीन चिट। धनंजय पर आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ बीजेपी और एमएनएस नेताओं ने की पुलिस से शिकायत, ब्लैकमेल करने का आरोप। मुंबई पुलिस ने रेप का आरोप लगाने वाली महिला से की पूछताछ, आज होंगे सवाल जवाब। आरोप लगाने वाली महिला से मिले बीजेपी नेता प्रीत सुमैया, महिला आयोग में उठाएंगे आवाज।
दामाद के चलते जा सकती है नवाब मलिक की कुर्सी। ड्रग मामले में फंसे हैं समीर खान। आज से राम मंदिर के चंदा जमा करेगी वीएचपी। 27 जनवरी तक चलेगा अभियान। राष्ट्रपति से होगा मंदिर के लिए चंदा अभियान का शुरुआत। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन जाएंगे वीएचपी नेता। मंदिर के लिए देश भर से 13 करोड़ परिवारों को चंदा जुटाने का लक्ष्य। एसबीआई समेत कई बैंक में खोले गए हैं खाते। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल होगा कायाकल्प। सामने आया भविष्य के निर्माण का खाका। रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण में निजी कंपनियों से ली जाएगी मदद। जल्द शुरू होगा सर्वे। छपरा में रुपेश हत्याकांड के विरोध में कैंडल मार्च। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। छपरा में इंडिगो मैनेजर रुपेश के परिवार से मिले बीजेपी नेता सुशील मोदी। मदद का दिया भरोसा। हुगली में मकर संक्रांति में स्नान के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। जय श्री राम के जयकारे पर शुरू हुआ विवाद। मकर संक्रांति पर अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में गृह मंत्री ने की पूजा अर्चना। पूरे परिवार के साथ किए भगवान के दर्शन। जगन्नाथ मंदिर में पूजा के बाद अमित शाह ने अहमदाबाद में की पतंगबाजी। जमकर उठाया लुत्फ। गोरखपुर में यूपी के सीएम ने बाबा गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। मठ में जमा हुई श्रद्धालुओं की भीड़। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मनाई मकर संक्रांति। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आए नजर। चेन्नई पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पोंगल समारोह में लिया हिस्सा। कहा आने वाले दिनों में होगी बीजेपी की गूंज। पोंगल के मौके पर राहुल गांधी ने पकड़ी तमिलनाडु की राह। मदुरई में जलीकट्टू समारोह में हुए शामिल। बोले करता रहूंगा परंपरा का समर्थन। मदुरई में राहुल ने लोगों के साथ मनाया पोंगल का त्यौहार। साफ में बैठकर खाया खाना। मदुरई में राहुल गांधी का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए गो बैक के नारे। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने गरीबों के लिए किया दही चूड़ा भोज का आयोजन। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल। अहमदाबाद के आसमान में दिखी ओवैसी की पतंग। स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है AIMIM। दिल्ली में खोल दिए गए पोल्ट्री बाजार। सारे सैंपल नेगेटिव पाए जाने के बाद सीएम ने जारी किए निर्देश। बर्ड फ्लू के हालात पर दिल्ली में सियासत तेज। सरकार का फैसला, बाजार के निरीक्षण के लिए नहीं लगाए जाएंगे शिक्षक। रांची में अपने फार्म हाउस पर तरबूज के पौधे लगाते दिखे महेंद्र सिंह धोनी। 2 एकड़ में होगी खेती। अयोध्या आने वाले पर्यटकों को राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े चेहरों से परिचित कराएगी यूपी सरकार। प्रशासन को भेजा गया प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने विवादित बयान पर दी सफाई। लड़कियों की उम्र को लेकर की थी टिप्पणी। मेरठ में महिला पर तेजाब से हमले के मामले में 6 लोगों को आजीवन कैद। 2018 में हुई थी वारदात। शिरडी में 4थी मंजिल से नीचे गिरी होटल की लिफ्ट। 6 लोग जख्मी। सूरत में हाईवे किनारे होटल में घुसा बेकाबू ट्रक। 1 की मौत, 3 घायल। भारत और श्रीलंका के बीच बने राम सेतु की उम्र जांचने के लिए शुरू होगा बड़ा वैज्ञानिक अभियान। एएसआई ने दी मंजूरी। आज देश भर में मनाया गया सेना दिवस। जाबाजों को देश का सलाम। कानपुर में जारी स्टैंप ट्रैकर का खुलासा। 5 लाख से ज्यादा कीमत के स्टैंप पेपर बरामद। नोएडा में मॉल में 2 महिलाओं ने उड़ाए हजारों के कपड़े। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मुजफ्फरपुर में गैंगरेप और हत्या के मामले में 6 लोग गिरफ्तार। पीड़ित को जिंदा जलाने का आरोप। अंबाला जेल में कैदी ने की खुदकुशी। हाथ पर लिखे सुसाइड नोट में जेलर को बताया जिम्मेदार। कानपुर में छेड़छाड़ करने वाले को मिला सबक। लड़की ने मौके पर की पिटाई। आरा में पुराने विवाद को लेकर युवक की दिन दहाड़े हत्या। आरोपी फरार। मेरठ में 2 गुटों में खूनी भिड़ंत। लाठी डंडों और ईंट से किया हमला। 4 गिरफ्तार। छिंदवाड़ा में एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर के हत्याकांड का खुलासा। 2 लाख कैश के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में दबंगों ने दुकानदार के साथ की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में झुग्गियों में भड़की आग। दर्जनों आशियाने खाक। कुल्लू में दिखा कुदरत का चमत्कार। सड़क पर आए तेंदुए ने लोगों के साथ जताया दुलार। तेंदुए के बर्ताव से लोग हुए हैरान। गाड़ियों से उतरे लोगों के साथ तेंदुए ने काफी देर तक की मस्ती। लोगों के पास आकर उछलता रहा तेंदुआ लेकिन नहीं पहुंचाया किसी को नुकसान। नांदेड़ में जंगल से भटककर गांव पहुंचा तेंदुआ। गिरा वन विभाग की टीम ने सुरक्षित निकाला। नासिक में ग्रामीण इलाके में घुसे तेंदुए ने फैलाई दहशत। वन विभाग की टीम ने पिंजरे में किया कैद। चंद मिनट में कर्ज देने का दावा करने वाली फिनटेक कंपनियों पर आरबीआई लगाएगा लगाम। समिति का किया गया गठन। सरकारी स्टील कंपनी सेल में 10% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। आज से हो रही शुरुआत। काले धन और टैक्स चोरी के खिलाफ सरकार की मुहिम। आईटी डिपार्टमेंट की ई फाइलिंग वेबसाइट पर कंप्लेन कर पा सकेंगे इनाम। आज ब्रिस्बेन में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 4था और आखिरी टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया पारी को मोहम्मद सिराज ने दी शुरुआती झटका। फिलहाल 1-1 से बराबर है सीरीज। पिछले 32 साल से ब्रिस्बेन में कोई टेस्ट मैच नहीं हारी है ऑस्ट्रेलियाई टीम। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद अमेरिकी संसद की सुरक्षा खड़ी की गई। एफबीआई ने जताया हथियारबंद प्रदर्शन का अंदेशा। वॉशिंगटन डीसी में बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में जोरदार तैयारियां। राजधानी में जगह जगह नेशनल गार्ड्स की तैनाती। अमेरिका में 2,36,00,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। 3,93,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। चीन पहुंची WHO की 10 सदस्यीय टीम। वुहान से महामारी शुरू होने की करेगी जांच। चीन में कोरोना के 8 महीने पहले मौत। आखिरी बार मई में वायरस ने ली थी जान।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।